है करनाल में इंद्री सड़क पर दरल गांव के पास यूनिवर्सल केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 5 घंटे तक आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि छुट्टी का दिन होने की वजह से ज्यादा लोग फैक्ट्री में नहीं थे, जिससे जनहानि होने से बच गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री में काफी समय से लुब्रिकेंट तैयार किया जाता था और टैंक के लीकेज होने की वजह से यह फैक्ट्री में आग लगी थी। फरीदाबाद में नगर निगम कार्यालय में एसटीओ और जेई ने मिलकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सोहना रोड पर जलघर में तैनात XEN मदनलाल और ज्ञान प्रकाश बधवा के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि इलाके के पार्षद जयवीर खटाना और उनके पिता धर्मवीर खटाना के साथ कई लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने ये बात भी कही है और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। सेक्टर 25 में बूस्टर पे उनकी ड्यूटी है, तो पानी की समस्या को लेकर अब गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, पानी की कमी हो सकती है, व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन बातचीत के माध्यम से ही हर चीज़ का समाधान निकलता है। और एक आप चुने प्रतिनिधि हैं और जिस तरह से आपने उस अभद्रता का व्यवहार किया है वो आपको शोभा नहीं देता, चाहे पार्षद जी हो, मेयर साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं। यदि पानी की समस्या आप बैठ के बात कीजिए, नगर निगम आयुक्त मोदा जी से बात कीजिए, चीफ इंजीनियर साहब से बात कीजिए और उच्च लेवल अधिकारियों से बात समाधान कीजिए, लेकिन इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है जैसे उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी दोषी है उसके अंदर उसकी निष्पक्ष जाँच होकर उनके खिलाफ FIR दर्ज, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको गिरफ्तार करे प्रशासन। और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने सेक्टर 29 के एक स्ट्रीट वेंडर के जज्बे को सराहा है। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 29 के स्ट्रीट वेंडर संजय राणा ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को फ्री में एक प्लेट छोले भटूरे देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जब इस खबर का प्रशासक बदनौर को पता चला तो उन्होंने इस स्ट्रीट वेंडर का पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिससे लोग कम से कम एक स्ट्रीट वेंडर के जज्बे को देखकर टीकाकरण के लिए प्रेरित हों। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर स्ट्रीट वेंडर संजय राणा ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में वो लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वो अपनी सेवा नहीं कर पाए, पर अब वो सरकार के अभियान को बढ़ावा देने के लिए टीकाकरण कराने वालों को एक प्लेट छोले भटूरे फ्री में खिलाकर सेवा कर रहे हैं। लगा के आता है बंदा, वो अपना सर्टिफिकेट दिखाता है और डे का डे है, जिस दिन दिखाता है उसी दिन खाते हैं, उसी दिन देते हैं हम। और मुझे गवर्नर साहब ने भी सम्मानित किया, उनके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। तो उन्होंने इस प्रशासन ने मेरी तरफ भी ध्यान दिया, मैं 1.5-2 महीने से खिला रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, 25-30 प्लेट रोज खिला देता हूँ, रात को बाद में देता हूँ, वैक्सीन लगाए के जो आए उसको पहले दे। कैसे प्रेरणा मिली? प्रेरणा मेरी गुड़िया एक छोटी वो लगी, बोले मेरे पापा ये वैक्सीन पड़ी, उन्होंने कोई हिमाचल में था MLA, वो अंदर नहीं आने देता कमरे में, उसने बाहर लगा रखा था बोर्ड कि बिना वैक्सीन लगाए मेरे कमरे में कोई एंट्री ना करे। तो दोनों लड़कियां बैठी थी, मेरे छोटे भाई की मेरी लड़की, वो कहेंगे पापा आप भी ऐसे बोर्ड लगा दो, एक प्लेट फ्री कर लो। फिर हमने घर में डिस्कस करी, मगर चलो ठीक है, जैसे हम एक प्लेट फ्री खिलाते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में अकाली दल की स्टूडेंट पार्टी SOI द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। SOI ने यह प्रदर्शन VC ऑफिस के बाहर किया, जिसमें कई घंटों तक VC के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वो दिखाई दिए हैं। इस प्रदर्शन को यूथ अकाली दल के नेता परमवंत सिंह बंटी रोमाड़ा लीड कर रहे थे, जिनका कहना है कि VC पंजाब यूनिवर्सिटी के RSS BJP कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें RSS की सोच यहाँ के स्टूडेंट पर थोपना चाहते हैं, इससे पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई भी व्यक्ति नहीं होने देगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की बड़ी विरासत है। VC 11 कमेटी की टीम बनाकर पंजाब के सारे कॉलेज को पंजाब यूनिवर्सिटी से हटाना चाहते हैं, जिससे पंजाब के करीब 200 कॉलेज से पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन छिन जाएगा। इस पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरे देश और दुनिया का नाम रोशन किया है।
जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं और कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। पंजाब से चलकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन और आंदोलन अब धीरे धीरे फिर से तेज होने लगा है। इसका असर न सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, वहीं इसी कड़ी में पंजाब के डेरा बाबा नानकसर से किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ है, जहां किसानों का बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर स्वागत किया गया। इस दौरान गुरनाम सिंह ने कहा है कि सरकार सोच रही है कि किसानों का जोश कम हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे लगातार जत्थे जाते रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। एक अपना रागनी प्रोग्राम जेड़ा कोई ना कोई प्रधान गुरनाम सिंह मकसद आंदोलन जीतना है। आंदोलन जीतने के लिए जो भी कोशिशें हो रही हैं, बार बार से अलग अलग इलाकों से जत्थे जा रहे हैं, वैसे ही ये आज जत्था चला था गुरु नानक डेरा बाबा नानक से, और रात हम रहे थे फतेहगढ़ साहब में, आज दिल्ली पहुंचेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंदोलन में शरीक करवाया जाए और आंदोलन का जो प्रभाव है जैसे पहले था वैसे ही बना। कल जत्था चला है डेरा बाबा नानक से और रात हम सुरंद रुके थे और आज फिर सुरंद से डेरे के कुंडली बॉर्डर पे जा रहे हैं, और उसका मकसद है एक दिखाना, सरकार को दिखाना कि सरकार जैसा सोचना शुरू कर दिया कि शायद किसानों में जोश कम हो गया, किसानों में एक लहर कम हो गई है, किसानों की संख्या बॉर्डरों पे घट गई है, ये बार बार वो बोलते हैं। तो बॉर्डरों में बेशक हमारी संख्या कम हो गई क्योंकि वहाँ पिछले 5.5 महीने से कोई काम नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन हमने शुरू नहीं किया, सरकार ने बातचीत नहीं की, लेकिन लोगों के अंदर भी वही जोश है। ये दिखाने के लिए हम बार बार ऐसे जत्थे ले जाते हैं, पहले करनाल से भी ले गए हैं, पानीपत से ले गए हैं, अंबाला से ले गए हैं, मोहाली से ले गए हैं, अब डेरा बाबा नानक से ये बड़ा जत्था ले के पंजाब वाले भाई आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।